मध्य प्रदेश में शराब और भांग की दुकानें 21 अप्रैल से खुलेंगी। दोस्तों आपको बता दें, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन 3 मई 2020 तक कर दिया है, परंतु मध्य प्रदेश शासन शराब और मध्य प्रदेश में शराब और भांग की दुकानें 21 अप्रैल से खुल जाएंगी, क्योंकि वाणिज्यिक कर विभाग ने आदेश जारी किया है कि दुकानें 20 अप्रैल 2020 तक बंद रहेंगी। वर्तमान में मध्य प्रदेश में केवल किराना और दूध की दुकानें खुली रही हैं, और मध्य प्रदेश वाणिज्यिक कर विभाग का आदेश है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी प्रेस रिलीज के अनुसार प्रदेश में संचालित सभी मदिरा और भांग की दुकानें 20 अप्रैल 2020 तक बंद रखे जाने का निर्णय लिया गया है। राज्य शासन द्वारा प्रदेश में कोविड-19 के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय विपदा कोरोना वायरस के विस्तार पर नियंत्रण एवं बचाव के तहत ये कार्यवाही की गई है। मल्टीप्लेक्स और सिनेमा घर 3 मई तक बंद रहेंगे। दोस्तों एक अन्य जानकारी के अनुसार, राज्य शासन ने प्रदेश में कोविड-19 के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश के सिनेमाघर अधिनियम के तहत लॉकडाउन की अवधि में 3 मई तक सभी सिनेमाघर बंद रखने का निर्णय लिया है। पूर्व में सिनेमाघरों को 14 अप्रैल तक बंद रखने का निर्णय लिया गया था। आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं चौथी बड़ी अपडेट खबर की जो निकल के आ रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 15 अप्रैल को विस्तार से बताएंगे। दोस्तों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम कोरोना से युद्ध जीतेंगे। श्री चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश में 3 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा, मध्य प्रदेश को 3 जोन में बांटा जाएगा या नहीं, इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि 15 अप्रैल को विस्तृत गाइडलाइन जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की करोड़ों जनता के हृदय के हार हैं। वह दृढ़ इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति तथा दूरदर्शी नेता हैं। प्रधानमंत्री ने आज फिर सारे देश का मार्गदर्शन किया है। श्री चौहान ने कहा कि सारे देश और मध्य प्रदेश को उन्होंने कोरोना को परास्त करने के लिए जो रास्ता दिखाई है उसी पर चलकर हम निश्चित रूप से जल्द ही कोरोना को परास्त करेंगे। प्रधानमंत्री के आह्वान का अक्षरशः पालन। दोस्तों मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान का हम अक्षरशः पालन करेंगे, क्योंकि कोरोना के संक्रमण को रोककर उन्होंने समाप्त करने का यही सर्वोच्च उपाय बताया है।